का शंख बज गया, अपना फर्ज निभाना है। देशवासियों, अब आपको अपना फर्ज निभाना है। किसके दबाव में तुम इस देश के साथ गद्दारी करो, बता दो। क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या गौहत्या है इसके राज्य में? गौहत्या हो रही, बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है। हिंदुओं का समर्थन तो नरेंद्र, मूर्ख है वो हिंदू, पागल हो रखे हैं, धर्म धर्मांध है, अंधविश्वासी अंधभक्त हैं। हाँ, राम जी जानेंगे, गौ माता जानेंगी, इनका पाप इनको ले डूबेगा। और जितना तुम्हारे दलों ने तुम्हारे अंदर जितनी औकात हो गुंडा कर दी हो, गोलियां चलाना, कोई चिंता नहीं। स्वामी दयाशंकर कफन पहन के आ रहे हैं। का मोदी शादीशुदा आदमी, मोदी झूठ बोल बोल करके, मोदी ने दुनिया भर के वहां पे गुजरात में दंगे कराए, मोदी झूठ बोलता है। भारत माता की जय तब होगी जब भारत में गौहत्या बंद होगी। ये झूठ के पुलंदा है मोदी, झूठ का पुलंदा। किन पाखंडियों को भगाया जा सके? कुछ नहीं होता राम मंदिर बनाने से। लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम से चुनाव लड़के ये गुंडे बवाली बन जाते हैं। बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती, बिना पत्नी के संपूर्ण यज्ञ नहीं हो सकता। प्राण प्रतिष्ठा बिना पत्नी के अधूरा रहेगा। होती है प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन तो भारतीय जनता पार्टी गड्ढे में जा सकती है। मोदी जी को बार बार प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि आप उद्घाटन न करें, प्राण प्रतिष्ठा न करें। ऐसे घराने से नहीं है जिससे कि प्राण प्रतिष्ठा हो। और इतनी जल्दी प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं आप? मंदिर अधूरा पड़ा हुआ है, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है, आपको सिर्फ चुनाव दिख रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है, चुनाव। मंत्र द्वारा हम रोकने का प्रयास करेंगे मोदी जी को कि वो जाएं, मगर वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में आक्षेप ना करें। और प्रधानमंत्री जी से तो बार बार प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे कि इस देश में अनिष्ट हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। हाल ही में कल लड़का प्रभाकर भट्ट ने मुस्लिम खवातीनों को लेकर तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल किए। अब इसने ये बयान क्यों दिया, इसकी भी वजह है, क्योंकि अब राम मंदिर को लेकर पूरे देश में हिंदू मुस्लिम करने की साजिश को परवान चढ़ाया जा रहा है। अगर कर्नाटक की बात की जाए तो अब सवाल तो कांग्रेस हुकूमत पर भी उठाना लाजिम हो जाता है, क्योंकि कर्नाटक के ही श्रीरंगपट्टन में आरएसएस की जहनियत से मुतासिर और आरएसएस का खुद लीडर है, इसने जानबूझकर बयान तो दिया हुआ नहीं, पर बजाय कांग्रेस की जानिब से सख्त कार्रवाई कर जेल की सलाखों के पीछे डालने के, यहाँ भी मुख्तलिफ कांग्रेस लीडरान की जानिब से महज बयानबाजी का खेल हो रहा है। अब हुकूमत खुद इनकी ही है पर अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और दूसरी तरफ मुसलमानों का मामला अलग ही है, इनके मसले की सरगर्मियां जारी है। अब एक मौलाना कहे या कुछ और, क्योंकि जिस तरह का ये बयान दे रहे हैं, इस वक्त में भी मुसलमानों में बजाय इत्तेहाद को कायम करने के दूसरे मसलक वालों को बददीन इनसे किस तरह दूर रहना है, मजहबी मामलात में इनको सलाम तक नहीं करना, शादी ब्याह बेटी का लेन देन नहीं करना की हिदायत अपने चेलों को दे रहे हैं। कोई भी किसी भी मसलक का हो, इन फर्जी मौलवियों को जब तक अवाम खुद सबक नहीं सिखाएगी, मिल्लत यूं ही टुकड़ों में तकसीम। खैर, जिस तरह राम मंदिर को लेकर नफरत की फिजा बनाई जा रही है और खुद वज़ीर-ए-आज़म इस मंदिर के इफ्तिताह करेंगे, ये और भी अफसोसनाक कह सकते हैं। लिहाजा अब कुछ हिंदू संतों ने, यानी हिंदुओं के ही मजहबी कायदों ने, मोदी के इस मंदिर के इफ्तिताह के इजलास को गलत साबित करते हुए राम का सियासत के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। वैसे बहुत सारे स्वामियों ने किया, लेकिन कुछ लोगों का मैं हम बयान दिखाने की कोशिश करेंगे। स्वामी दयाशंकर ने तो हिंदुओं को अंधभक्त कहा, वाज रहे भारत से दुनिया भर में बीफ एक्सपोर्ट किया जा रहा है, मंदिर के नाम पर करोड़ों अब्ज रुपये भाजपा और हिंदुत्ववादियों की जानिब से गबन करने की भी बात कही जा रही है। हर जिला हर शहर में अब राम मंदिर के नाम पर मुहिम को तेज किया जा रहा है, जिसका अब हिंदू संतों की जानिब से विरोध किया जा रहा है। हाल ही में यमनी हुतियों ने इसराइल का जहाज समझकर हजारों गायों से लदा भारत का जहाज अपने कब्जे में लिया था, पर यह भारत की तरफ से या भारत की तरफ से भेजा जाने वाला जहाज कहने पर इस जहाज को छोड़ दिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि हजारों गायों को कहां ले जाया जा रहा था, और इस पर मीडिया में खबरें भी नहीं चलाई गई। खैर, राम मंदिर को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। अब चुनाव बिल्कुल कुछ ही दिनों पर है, और उससे पहले 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति वजीर आजम मोदी के हाथों रखी जाने वाली है। क्या लोकतांत्रिक मुल्क में और खासकर धर्म निरपेक्ष मुल्क में किसी प्रधानमंत्री का इस तरह मंदिर के इफ्तिताह में शरीक होना जायज है, का सवाल भी इन्हीं संतों की जानिब से उठाया जा रहा है। स्वामी दयाशंकर ने तो शंख बजाकर मोदी के ही विरोध में जंग का ऐलान किया है। उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ईवीएम के जरिए चुनाव जीतकर मोदी जैसे गुंडे हुकूमत में आते, ऐसा भी कहा। गुजरात दंगों का भी जिक्र किया। एक और साधु संत इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर महाराज अजय योगी ने भी
हाथ जोड़कर मोदी से गुजारिश की कि अगर मोदी के हाथ से मंदिर की इफ्तिताह होती है तो अनिष्ट हो सकता है, यानी वही पहले जैसा पनौती कह सकते हैं। इंद्रप्रस्थ महाराज ने आगे ये भी कहा कि मंदिर अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ है और मोदी चुनाव के खातिर इसका उद्घाटन करना चाहते हैं, उन्हें मंदिर के इफ्तिताह का हक नहीं है, ऐसा भी कहा। भारत में जितने भी ब्राह्मण है वो नाखुश है क्योंकि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मणों के जरिए ही मुमकिन है। और ये एक बात यहाँ ये भी बताई गई कि जिनकी बीवी होती है वही इस प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा ले सकते हैं, जबकि मोदी ने अपनी बीवी को बरसों पहले छोड़ दिया और योगी की भी बीवी नहीं है, मोदी की कोई बीवी नहीं है, लिहाजा मंदिर के बाहर बैठकर इजलास में तो शरीक हो सकते हैं लेकिन अपने हाथों से इफ्तिताह नहीं कर सकते। अब कईयों ने मोदी को झूठा कहते हुए इस प्राण प्रतिष्ठा में शरीक न होने का मशवरा दिया है। कुछ और संतों ने कहा कि मंदिर को पहले पूरा होने देना चाहिए था, अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ है, महज राजनीति के लिए इस तरह मंदिरों का भगवान राम का इस्तेमाल ठीक नहीं है। पंडित जगजीत शर्मा ने तो किसी हाल में मोदी को नहीं मानेंगे ऐसा कहा। देश में चार चार शंकराचार्य मौजूद रहने के बावजूद मोदी खुद प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए अयोध्या तशरीफ ले जा रहे हैं, जिस गर्भगृह यानी मंदिर का अंदरूनी हिस्सा उसमें जाने पर कुछ ब्राह्मणों का विरोध है, उसमें खुद तो रहेंगे और दिगर चार लोग जिसमें सिर्फ एक साधु योगी आदित्यनाथ गवर्नर और आरएसएस के मोहन भागवत होंगे, जिस पर मोदी मुखालिफ लहर ब्राह्मणों में देखी जा रही है। वैसे भी भाजपा को ब्राह्मणों की ही पार्टी कहा जाता है, यानी कि सवर्णों की पार्टी कहा जाता है और इन्होंने हिंदुत्व को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आवाम के सामने रखा और हिंदुत्व के विरोध में मुसलमानों को पेश किया। आपको इस बात का भी इल्म है कि जिस राम मंदिर की तहरीक को जिंदा करके भाजपा को कुवत बख्शी और आज अक्सरियत के साथ भाजपा हुकूमत में है तो उसकी वजह अड़वानी की रथ यात्रा, और इसी रथ यात्रा की वजह से देश में हिंदू मुसलमानों का ध्रुवीकरण हुआ। लिहाजा सत्ता के लिए जब अड़वानी को छोड़ सकते हैं तो सत्ता के लिए राम मंदिर का इस्तेमाल इनके लिए गुनाह नहीं हो सकता, ऐसा भी कहा जा रहा है। कई संतों ने तो अब मोदी के खिलाफ बोलना शुरू किया हुआ है और ये भी डर है कि तानाशाही के चलते मोदी अपने विरोधियों को जेल भी भेज सकते हैं और यही नफरती माहौल को बड़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए फिर से मुसलमानों के मुखालिफ बयानबाजी का दौर मुल्क में और कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। आप एक और मिसाल रामसेना के मुतालिक का भी बयान देखिए, इसने कहा था कि अगर मोदी के नाम पर वोट मांगने के लिए कोई आए तो इन्हें चप्पल से मारना, लेकिन आज मोदी के तरफदारी करता दिखाई देता है। मतलब किस तरह हर कोई अपने सियासी मुफाद या जाति मुफाद के तहत बयानात को बदलकर कभी मोदी विरोधी तो कभी मोदी के साथ नजर आता है। खैर, खुद अयोध्या में मोदी के खिलाफ साधु संत हो चुके हैं और धीरे धीरे ये तहरीक तेज हो सकती है। साधु संतों की मुखालिफत तो बढ़ रही है पर भाजपा गांव शहर करियों में राम मंदिर के नाम पर मोदी की इश्तेहारबाजी में कामयाब जरूर होते दिखाई दे रहा है। उधर विपक्ष कहीं तो भी राम मंदिर के सामने कमजोर होता नजर आ रहा और जरूरत पड़े तो भाजपा या आरएसएस मुस्लिम कश फसादात का भी सहारा लेने में भक्त पीछे नहीं हटेंगे, ये भी उतना ही अहम। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। 50 बार कह दिया कि मोदी जी राम मंदिर के उद्घाटन में तब तक अपनी योग्यता और पात्रता न समझे जब तक गौरक्षा नहीं हो गई, गौ हत्या का कानून नहीं बना दिया, जब तक इस देश के अंदर किसान की, जवान की, गरीब की, मजदूर की, पीड़ित की, परेशान की समस्याएं जिंदा हैं, जब तक देश नर्क बना हुआ है, गौ हत्या जब तक हो रही, भारत कलंकित है, तब तक कोई राम मंदिर का औचित्य नहीं है। राम मंदिर के पहले हमें गौरक्षा चाहिए। कुछ नहीं होता राम मंदिर बनाने से, राम मंदिर तब सफल होगा जब गौरक्षा होगी देश में। देश के अंदर अपराध कानून चरम पर, अपराध और कानून का उल्लंघन पूरा का पूरा, तुम्हारा लोकतंत्र खतरे में है। ईवीएम से चुनाव लड़के ये गुंडे बवाली बन जाते हैं, इनमें कोई नैतिकता नहीं है। संत उसको कहते हैं जिसमें सच्चाई हो। ये झूठ के पुलंदा है मोदी, झूठ का पुलंदा मोदी, गुजरात का मोदी, शादीशुदा आदमी मोदी, झूठ बोल बोल करके मोदी ने दुनिया भर के वहां पे गुजरात में दंगे कराए, मोदी झूठ बोलता है। मोदी देश से पूछो, ये मैनेस्टी मीडिया जो उसको मैनेज कर रहा है, जिसने उसको वो बना दिया है फालतू का एक खेत का बिजू उकड़ा, मोदी के पास विचार स्वायत्तता नहीं है। और सुनो मोदी, तुम्हारी आईटी सेल के लड़के हम, जितना तुम्हारे दलों ने तुम्हारे अंदर जितनी औकात हो गुंडा कर दियो, गोलियां चलाना, कोई चिंता नहीं, स्वामी दयाशंकर कफन पहन के आ रहे हैं। मोदी जी अब नहीं आएंगे, मोदी जी हम नहीं चाहेंगे, हटा मोदी को, मूर्ख है वो हिंदू, पागल हो रखे हैं, धर्म धर्मांध है, अंधविश्वासी अंधभक्त हैं, साधु संतों का भी समर्थन है वो सब पाखंडी हैं। परिवर्तन का शंख बज गया, अपना फर्ज निभाना है देशवासियों, अब आपको अपना फर्ज निभाना है, हटो बेटे। इनसे भी हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि अरे भैया इस जीवन को मत बर्बाद करो, मत नष्ट करो, ये राजनीति फाजनीति तुम्हारा कल्याण नहीं करेगी। नहीं, लोग तो खुश नहीं है,
मैं भी रोज टीवी पर देख रहा हूँ, जनता जनार्दन भारतवर्ष की 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 5-10% संत और ब्राह्मण नाखुश हैं। किसी देश के और राजा ने तो किसी मंदिर का उद्घाटन किया नहीं है, मगर हम प्रधानमंत्री जी को इतना हृदय से आगाह करेंगे कि प्रधानमंत्री जी मंदिर का उद्घाटन न करते हुए किसी संत से, किसी ब्राह्मण से कराएं तो बहुत अच्छा होगा। और आप वहाँ रहें, स्वयं रहें, प्रतिष्ठा में रहें, प्रतिष्ठा देखें, प्रतिष्ठा कैसे होती है वो सब कुछ देखें, वहाँ रहें और 2 दिन रहें, 4 दिन रहें, 6 दिन रहें, 1 दिन रहें, जितने दिन उनको रहना है उतने दिन रहें, मगर प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण के माध्यम से ही होती है। ब्राह्मण ही प्राण प्रतिष्ठा कराता है। ऐसा महसूस होता है कि वो शायद प्राण प्रतिष्ठा के यजमान बनेंगे, तो यजमान तो बन सकते हैं, मगर यजमान बनने के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा में ब्राह्मण की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी होना चाहिए, मगर प्रधानमंत्री जी की तो कोई पत्नी है नहीं, तो प्रधानमंत्री जी को तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। और उन्हें सदबुद्धि दे भगवान, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ और प्रधानमंत्री जी से तो बार बार प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे कि इस देश में अनिष्ट हो। हाँ, हम पूजा करेंगे प्रधानमंत्री जी के लिए, हम आगाह करेंगे, उनको कोई मंत्र वंत्र देंगे, मंत्र की दीक्षा देंगे, मंत्र का प्रभाव करेंगे, मंत्र से उनको रोकेंगे कि प्रधानमंत्री जी ऐसा कार्य न करें। बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती, बिना पत्नी के संपूर्ण यज्ञ नहीं हो सकता, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, कोई यज्ञ नहीं हो सकता, कोई पूजन नहीं हो सकता। ये तो वहाँ बैठे हुए वैदिक ब्राह्मणों से ही पूछ लें, प्राण प्रतिष्ठा बिना पत्नी के अधूरा रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा अनिष्ट होने की संभावना बन सकती है। तो मोदी जी बहुत समझदार हैं, प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी को बार बार प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करूँगा कि आप उद्घाटन न करें, प्राण प्रतिष्ठा न करें, क्योंकि आप कोई ऐसे विद्वान नहीं हैं, कोई ऐसे घराने से नहीं हैं जिससे कि प्राण प्रतिष्ठा हो। और इतनी जल्दी प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं आप? मंदिर अधूरा पड़ा हुआ है, मंदिर के चारों स्तंभ नहीं बने हुए हैं, मंदिर में अभी किसी प्रकार का कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ है जिसे जनता देख नहीं जाए, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है, आपको सिर्फ चुनाव दिख रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है, चुनाव। चुनाव में आने से क्या इस भगवान के मंदिर को भी आप अनिष्ट में ले जाओगे? और आपकी बुद्धि को भगवान सद्बुद्धि में बदले और सद्बुद्धि दे के आप ऐसा न करें, अभी भी इसको देख लें और संतों के माध्यम से ही कराएं। सारे संत इस देश में, जितने भी संत समाज हैं, सारे धर्म हैं, चारों धर्म हैं, चार संत हैं, चार बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, सबसे पूछ के, सबसे विनय करके मैं हाथ जोड़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्यक्रम को मोदी जी द्वारा न करा के इसे साधु संतों द्वारा और ब्राह्मणों द्वारा कराया जाए। सूचक लग जाता, कोई शुभ काम नहीं कर सकते। 3 घंटे बाद वहाँ रेल को झंडी दिखा रहे थे, ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है, उनकी माँ के का अपमान नहीं है, पर नहीं दिखा दिया, नहीं भगवान से भी बढ़ के हैं। माँ को छोड़ा, योगी ने बाप को छोड़ा, इसने माँ को छोड़ा, और फिर भी देश के लिए काम कर रहे हैं। जूतों से इनकी मरम्मत करनी चाहिए कि ये राम को लाए, इनकी औकात है। कभी मेरे सामने ऐसे लोग आ गए तो मेरा जूता हुआ उनकी खोपड़ी होगी, बता दूंगा राम को हमें लाए थे, ये राम को लाए हैं। मैं मोदी का घेराव जब तक नहीं करेंगे, मोदी को काले झंडे दिखाएंगे, मोदी का रोड रोको आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक मोदी को समझ में नहीं आएगा, वो खुद अपने आप को भगवान ही मानने लगे हैं। ऐसे आदमी की पूजा करोगे, शर्म करो तुम लोग। 27 भी जीतेंगे, 28 भी जीतेंगे, 29 जीतेंगे ईओ मशीन से। देश की जनता मोदी से बुरी तरह नाराज है, एक दिन इस तरह भड़क जाएगी आप देखना कि मोदी को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इनकी औकात है, ये राम को लाएंगे, ये तो राम को बेच रहे हैं। इनकी औकात है, ये राम को लाएंगे, किस एंगल से राम से लाएं? ये भूल गए हैं कि राम इनको लेके आए हैं। पर देश को मूर्ख बनाना है, देश को मूर्ख समझते हैं, देश के लोग मूर्ख नहीं है सब। ये बन जाएगा रशिया का राष्ट्रपति, ये बन जाएगा चाइना का राष्ट्रपति, किंग कोंग बन जाएगा। इस किंग कोंग का फन कुचल दो, अन्यथा पछताओगे, रोओगे। ये वो गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज।